हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष मीना आपका स्वागत करता हूँ। ये क्लास है बीए थर्ड ईयर की लोक प्रशासन की, जिस पेपर सेकंड है भारत में स्थानीय प्रशासन। हम पढ़ रहे थे नगरीय निकायों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से नगर निगम आज हम पढ़ेंगे। तो नगर निगम और नगर परिषद और नगर पालिका, ये तीन प्रकार के फॉर्मेट नगरीय निकायों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन नगर निगम को समझने से पहले थोड़ा ये जानना जरूरी है कि नगर निगम और नगर परिषद में वास्तव में अंतर क्या है। ये तो आप जानते ही हो कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना 1687 मद्रास में हुई थी, उसके बाद में 1888 में बम्बई और 1951 में कलकत्ता में निगम स्थापित किए गए थे। नगर निगम जहां महानगरों में स्थापित किए जाते हैं, वही नगर परिषद छोटे कस्बों में, छोटे नगरों में स्थापित किए जाते हैं। इन दोनों के जो कंस्ट्रक्शन है, जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ बिंदुओं के आधार पे हम इनका अंतर कर सकते हैं। तो सबसे पहला अंतर जब से एग्जाम में आता है, आपको याद रखना चाहिए कि जहां नगर निगम स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को विधानमंडल द्वारा पृथक से विशेष अधिनियम बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, बंबई नगर निगम अधिनियम 1888, दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957, कलकत्ता नगर निगम अधिनियम 1951। इसी प्रकार से तो जैसे जोधपुर, जैसे जोधपुर में नगर निगम की स्थापना करनी है, कोटा में करनी है, जयपुर में करनी है, तो उसके लिए वहां पे विधान, राजस्थान विधानसभा को अलग से बिल लाना पड़ेगा, अलग से अधिनियम बना करके उसकी स्थापना करनी होगी। अगर और अन्य कहीं जगह पे नगर निगम की स्थापना करनी है तो फिर प्रत्येक प्रतिबार नगर निगम की स्थापना होगी, प्रत्येक प्रत्येक से अधिनियम बना करके ही नगर निगम को लागू किया जा स्थापित किया जा सकता है। तो अब प्रश्न आता है कि नगर परिषद नगर पालिका की स्थापना कैसे होती है। इसमें सिंपल राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1969 ये एक अधिनियम है, और इस अधिनियम, एक बार अधिनियम स्थापित हो गया तो अब इसी के आधार पर नगर पालिका, जब जब आप इसी के आधार पर जब जब नगर पालिका नगर परिषद की स्थापना करनी होगी तो इस कानून के अंतर्गत किया जा सकता है। लेकिन इस संदर्भ में राजस्थान सरकार ने 1992 में एक अपवाद प्रस्तुत किया। राज्य में जयपुर, जोधपुर, कोटा के नगर निगम स्थापित करने के लिए पृथक से अधिनियम नहीं बनाया, बल्कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1969 में ही हल्का फुल्का संशोधन करके नगर निगमों की स्थापना करती। तो यह आपके अंतर समझ में आ गया कि नगर निगम और नगर परिषद में दोनों में क्या, दोनों की स्थापना में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न, दूसरा बिंदु है नगर निगम और नगर परिषद में विचारात्मक और कार्यकारी निकायों का पृथक्करण पाया जाता है। जिस प्रकार से आप देखते हो पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, और एग्जीक्यूटिव उसके द्वारा बनाए गए कानून को या नीतियों को एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है, यानी कि नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में पृथक्करण यहाँ पाया जाता है। उसी प्रकार से नगर निगम में विचारात्मक यानी विचार विमर्शकारी निकाय अलग होता है और कार्यकारी निकाय अलग होता है, जबकि नगर परिषद में यह पृथक्करण नहीं पाया जाता। नगर निगम में नगर प्रशासन, नगरीय प्रशासन के लिए नीति निर्धारण का विचार विमर्श कार्य निगम की परिषद मेयर की अध्यक्षता में संपन्न करती है। मेयर और परिषद का नीतियों के निष्पादन और कार्यकारी निकाय पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इम्पोर्टेंट ये चीज है कि मेयर और परिषद का जो पॉलिसी बनाई है उसके कंट्रोलिंग, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कार्यकारी निकायों पे, एग्जीक्यूटिव पे कोई नियंत्रण नहीं होता। निगम का जो एग्जीक्यूटिव है, जो एग्जीक्यूटिव बॉस है, वो कमिश्नर कहा जाता है, परंतु राजस्थान में सीईओ की पोस्ट होती है, उसको वो उसका प्रशासन मुखिया होता है। निगम जे क्या इसका काम होता है, निगम द्वारा निर्धारित नीतियों और पारित विधियों को एग्जीक्यूट करना। अब दूसरी ओर नगर पालिकाओं की बात करें तो नगर पालिकाओं की परिषद अपने निर्वाचित अध्यक्ष के नेतृत्व में न केवल नगरीय प्रशासन की नीतियां निर्धारित करती है, अपितु परिषद का यह अध्यक्ष नीतियों के निष्पादन करने वाले कार्यकारी निकाय कमिश्नर, उसके स्टाफ पर भी पूरा नियंत्रण रखता है। तो अंतर आपके समझ में, मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं कि नगर निगम के अंतर्गत मेयर का जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसके ऊपर नियंत्रण नहीं होता, लेकिन नगर परिषद और नगर निगम में चेयरमैन का
पूरे प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण होता है। ये इन दोनों में बहुत तो इस प्रकार से नगर निगम जो है वो विचारात्मक और कार्यकारी कार्यों के पृथक्करण पर आधारित नगरीय प्रशासन का मॉडल प्रस्तुत करता है, वहीं नगर परिषदें नगर पालिकाएं इस पृथक्करण के न होने का प्रतिमान प्रस्तुत करती हैं। अगला अंतर देखें तो जनसंख्या और आय। नगर निगम में 5 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर नगर निगम की स्थापना कर दी जाती है और नगर पालिका की स्थापना 5,000, 10,000, 15,000, 50,000 तक भी कर दी जाती है। ये बेसिक अंतर आपने यहाँ देख लिया। अब हम बात करते हैं, मैं अगले टॉपिक में आपको ये बताऊंगा कि नगर निगम को स्थापित करने के लिए कौन कौन से मापदंड सरकार ने स्थापित किए हैं। तो आज की क्लास हम ये समाप्त करते हैं। थैंक यू।